इसके बाद क्या हो गया? जय गुरुदेव। मैं विनोद अंकल को बुलाना चाहूंगा गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ने के लिए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है पुनर्जन्म को प्रमाणित करना अति आवश्यक है। 5 जुलाई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था।
गुरुदेव लिखते हैं, सनातन धर्म के सर्वोत्तम ग्रंथ गीता में भगवान ने पुनर्जन्म की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति श्रः गृहीत्वा तानि सम्याति वायुर्गंधा निवाशया। 15 विसर्ग 8। अर्थात वायु गंध के स्थान से जैसे गंध ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जब तक हम गीता में वर्णित उपर्युक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, कोई भी व्यक्ति हमारी बात को क्यों मानेगा। उपर्युक्त सच्चाई को संसार के सामने प्रमाणित करना अति आवश्यक कार्य है। थोथे नीति के विषय में उपदेश से अब काम नहीं चलेगा। भगवान की उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार जब तक मनुष्य अंतर्मुखी होकर जीवात्मा से संपर्क करने की स्थिति में नहीं पहुंचता है, इसका समाधान असंभव है। इस पथ में पहले स्थूल शरीर में स्थित सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार करना पड़ेगा। इसके बाद सूक्ष्म शरीर को भेद कर कारण शरीर से साक्षात्कार करना होगा। फिर ज्यों ही कारण शरीर का भेदन हुआ कि आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। आत्मा प्रारंभ से लेकर सभी जन्मों का ज्ञान करवाने में सक्षम है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध को अनेक जन्मों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह तो हुआ बीते समय का ज्ञान, परंतु जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, वह अमर है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अतः संसार में आगे होने वाली बात संभव है। हमें वह शक्ति प्राप्त करनी है। अब वह समय दूर नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव, आज इसकी मंच संचालन करने के बारे में उनको बुलाऊंगा मंच पर। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आत्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समस्त सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग, बाबा श्री जगन्नाथ पावन कृपा से सेशन चलता है सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक चलता है, जिसमें 15 मिनट गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है, फिर 15 मिनट ध्यान करवाया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है, 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन सामूहिक ध्यान करते हैं। फिर नोट प्रोहित गुरु भाई अपनी वाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर अपन 8 बजे से 8:30 बजे तक सभी गुरु भाई बहन अपनी अपनी अनुभूति, अनुभव, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न शेयर करते हैं, जो जिसकी अभिलाषा होती है वो पूछने की प्रश्न। तो मैं आमंत्रण करता हूँ कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी अनुभूति हो, कोई अनुभव हो, कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो तो बस शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रभु गुरु भाई, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जब तक कोई और हैंड रेज करे गुरु भाई, एक छोटी सी अनुभूति है वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादो, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये लादूराम बेनीवाल गुरु भाई हैं, उनकी अनुभूति है ये। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में समरसता, इनका पता लिखा हुआ है। लादूराम बेनीवाल, गांव भादरा जाटन, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, कल की गुरु कृपा से हुआ जीवन में दिव्य परिवर्तन। परम पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 2 जुलाई 2009 को मैंने समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से जोधपुर आश्रम में दीक्षा ली। मुझे भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में रूपांतरित होने की क्रियाविधि से अवगत कराया। वास्तविकता तो यह भी है कि मैं ना जाने वास्तविकता तो यह भी है कि मैं ना जाने कितने जन्मों से इस मंजिल को पाने में ठोकरे खाते कहीं भटकता रहा हूंगा, लेकिन सत्य का धाम अब मुझे मिला। लेकिन सत्य का धाम मुझे अब मिला, वो कहीं अन्य दूर नहीं था, केवल वह केवल मेरे परम पूजनीय समर्थ केवल वह केवल मेरे परम पूजनीय समर्थ सदगुरुदेव के पावन चरणों में मिला। गुरुदेव के असीम आशीर्वाद से मेरे जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ, उसका जो आनंद मैं आज वास्तविक जीवन में अनुभव कर रहा हूं, शब्दों में बयान नहीं कर पाता। गुरुदेव की करुण कृपा रूपी गुरु प्रसाद से मुझे सिद्धियों के रास्ते से सहज में ही ज्ञान रूपी अमृत धारा के रसपान की प्राप्ति हुई, उसका वृतांत लेखनीय नहीं हो सकता। सिद्धियोग में गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चरणों में ध्यान करने से साधक को विभिन्न प्रकार के भौतिक नशों जैसे बीड़ी, सिगरेट, अफीम, हेरोइन, चरस, भांग या शराब से छुटकारा मिलकर वृत्तियों में सुधार हो जाता है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति भोगों के साथ साथ मोक्ष तक की प्राप्ति कर लेता है। इसमें ध्यान के दौरान स्वतः ही योगी क्रियाएं होती हैं, जिनमें साधक परमानंद महसूस करता है। मुझे ध्यान के दौरान विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, बंद व आसन लगते हैं। दिन भर अजपा लगा रहता है, वह नाच सुनाई देती है, जिससे हर समय मैं आनंदित रहता हूं। गुरुदेव की कृपा से मेरे जीवन में आश्चर्यकारक दिव्य परिवर्तन हुआ है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चरणों में बारंबार नमन। तो ये थी लादूराम बेनीवाल की गुरु भाई की अनुभूति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव की सुनाई भैया ने। और मैं आमंत्रण करता हूँ, कोई भी गुरु भाई बहन नए जुड़े हो जो अनुभूति ना भी हो तो कैसे जुड़ना हुआ, कैसे भगवान समर सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग के बारे में पता लगा, कृपा मंच पे आए और बताएं। कोई भी गुरु भाई बहन स्वागत है। भाई साहब आज बबीता यादव और रजनी कश्यप है ना, अगर ये और भी कई सारे जुड़े हुए हैं गुरु भाई बहन, अगर कोई मजा कर बोल रहा। हाँ हाँ, बबीता यादव गुरु भाई ने अभी जो नाम लिए हैं, कोई भी आए मंच पे बताएं, अपनी कोई अनुभूति नहीं है तो कैसे जोड़ना होगा, कैसे गुरु के संपर्क में आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं तो पुरानी हूँ। हाँ हाँ, कोई अनुभूति हो, कुछ अनुभव है तो। कोई अनुभूति नहीं, रश्मि गुरु बहन के लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रजनी कश्यप जी को ले लीजिए।
रजनी कश्यप गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव सभी को। अच्छी मैं आज मतलब बहुत दिनों से कह लो या कुछ महीनों के बाद ही जुड़ी हूँ। पता नहीं क्या हुआ, मन में आया कि आज ना मैं सेशन कोई मिल ही नहीं रहा था, मैंने मुझे ढूंढना भी नहीं आता था, तो अचानक से ही ना मतलब जब ये शुरू होने लगा ध्यान तो उसी टाइम मेरी लिंक से जुड़ पाई मैं। तो मेरे को ये है कि मैं बीच में ना, गलती मेरी भी है कि मैं बीच में गुरुदेव पे शंका की, तो मैंने कहा गुरुदेव मैं नहीं करूंगी, अब मैंने छोड़ दिया सिद्ध योग, मैं नहीं करूंगी, है ना। तो लेकिन जैसे होता है ना, बच्चा कहते हैं अपना तस्वीर तो उनकी रहती थी रूम में जहाँ पे वो विराजमान थे, मतलब मैं फिर भी सोचती थी कि मैंने देखना ही नहीं है, इनकी तरफ ही नहीं देखना। तो फिर भी बीच बीच में छुप छुप के ना ऐसे आंखें करके जैसे एक बच्चा निहारता है किसी को कि देख रहे हैं मेरे को। तो ना मतलब कह तो दिया लेकिन अंदर से मतलब हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर भी नाम जप चलता था, फिर मैं रोक देती थी, नहीं नहीं ये कैसे निकल गया, मंत्र कैसे निकल गया, मुझे नहीं करना, मंत्र फिर भी निकल ही जाता था। तो कहीं जाती हूँ समर्पण मतलब रहा ही मेरा, वैसे तो शुरू से ही गुरुदेव के प्रति रहा ही है। तो कल रात में ना ऐसे ही मैं ध्यान कर रही थी, कुछ ऐसा अपना मेडिटेशन लग से कुछ कर रही थी, तो काफी रात हो गई थी। मैंने कहा कि वैसे एंजल्स को बोलते हैं कि एंजल्स मेरे को ना मतलब जैसे काफी सारी बुक्स आई इंग्लिश में, तो मैंने कहा एंजल्स मुझे कुछ ऐसी बुक्स पढ़नी है जो मेरे लिए हो, जिसे मैं पढ़ सकूं, ये तो सारी इंग्लिश में है, मुझे तो इतनी इंग्लिश आती नहीं है। तो एक ना हिंदी वाली आ गई बीच में, तो ये मैं पढ़ने लगी, तो इसमें सारा ही सिद्ध योग का वर्णन था पूरा, मतलब जो चीज मुझे पहले नहीं पता थी वो किताब आदि पढ़ के मेरे को समझ आई कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ, इतने बड़े समर्थ गुरुदेव मेरी लाइफ में है और मैं इनको समझ ही नहीं पा रही। मैं इन चीजों से डर के भाग रही थी कि मुझे नहीं करना ये सिद्ध योग निकला। अब तो सच्ची में कहूं, मैं फिर रात में रोई भी कि गुरुदेव माफ कर दो, मैं तो ऐसे पहचान ही नहीं पाई है ना कि आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे को मतलब आपने मेरे को बांध भी रखा है अपने आप से, लग भी नहीं किया। तो मैं गुरुदेव को आज ना इसी बस हो गया कि मुझे ना कोई सेशन चाहिए और मैं अब सेशन में ना मेरे को पता ही नहीं है, मैं इसमें जो अपने आप ही जुड़ गई हूँ। तो मैं तो कहती हूँ कि गुरुदेव मेरे को माफ करें, शरण तो मैं रही ही शुरू से गुरुदेव की हूँ, अब भी हूँ, बस बीच में एक थोड़ा सा भटकाव आया था, तब भी थोड़े दिनों का ही था, लेकिन गुरुदेव ने तब भी नहीं मेरे को छोड़ा और मंत्र जपवाते रहे मेरे से। और बाकी जो वाइब्रेशन होती है वो तो अब भी होती है, जब भी मैं गुरुदेव को अब भी याद करती हूँ तभी मेरे को वाइब्रेशन तो होने, उसी टाइम मैं बोलती हूँ जैसे गुरुदेव आप सुन रहे हो ना, तो फिर वो वाइब्रेशन देते हैं मेरे को पूरी कि हाँ मैं सुन रहा हूँ, कि जो तू बोल रही है ना कि आप गुरुदेव आप सुन रहे हो, तो वो वाइब्रेशन मेरे को होती है, मतलब उनकी तरफ से आंसर आता है कि हाँ मैं अंदर हूँ और सुन रहा हूँ सारा। हाँ गुरु बहन, गुरु भगवान अपनी शरण में लिए रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते, अपन हो जाते हैं थोड़ी साधना से विमुख, गुरु भगवान तो सब अंदर है ना अपने। गुरु बहन वैसे आप कब से जुड़ी हैं और गुरु भगवान के बारे में कैसे पता लगा, थोड़ा बताएंगी आप? मैं तो पहले भी बताया था सेशन में, मैं तो 2022 में जुड़ी थी मई में। अच्छा हाँ जी, वो मैंने बताया था पहले भी सेशन में कि मैं थोड़ी बीमार थी, मतलब तो कुछ ये भी था उससे पहले भी था कि मेरे को गुरु की तमन्ना हुई थी कि मुझे पूर्ण गुरु चाहिए, मतलब अधूरे गुरु नहीं चाहिए, पूर्ण गुरु चाहिए मेरे को। तो मैं ठाकुर जी से, मैं जैसे ठाकुर जी की सेवा करती रहती थी, तो ठाकुर जी से ही मेरी प्रार्थना थी और बजरंग बली से भी थी कि मेरे को बस गुरुदेव चाहिए, कोई पूर्ण चाहिए, मतलब चेतन हो जो। तो मेरे को अंदर से आवाज आती थी कि 6 महीने में मिलेंगे। अब 6 महीने के लास्ट मंथ भी आ गया, कुछ दिन भी रह गए, थोड़े दिन ही रह गए। मैंने कहा अपने हस्बैंड को भी, भाई 6 महीने भी हो गए और ये तारीख भी लास्ट आने वाली है, खत्म है, तो 6 महीने क्यों आती थी मेरे अंदर से आवाज हर रोज कि 6 महीने में, सबको बताती थी 6 महीने में गुरु मिलेंगे। और बाहर भी जाती नहीं थी, घर में अंदर ही रहती थी ज्यादा, मैं कहीं बाहर निकलती भी नहीं थी। तो मतलब ये मंत्र आया था तो रात में, तो मैंने सुना था मंत्र ये, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा पता नहीं ये लोग क्या बोलते रहते हैं, ये मंत्र सुनो जी ये बीमारी ठीक होगी। मैंने कहा यूट्यूब वाले पता नहीं क्या क्या डाल डाल के मंत्र लगा देते हैं ऐसे,
तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, चलो आप राधा कृष्ण को वैसे भी मानते हो तो चलो आप सुन लो। मैंने सुना, अगले दिन जल्दी मेरी जाग भी खुली और तंदुरुस्त फिट, कोई मतलब मेरी तकलीफ खत्म ही हो गई जैसे पूरी, कोई दर्द नहीं कहीं कुछ नहीं। पहली बार मंत्र सुनने भर से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो दिव्य गंध आई, हाँ जी तो दिव्य गंध आई मेरे पास बहुत अच्छी, जैसे मैंने कभी वो फ्रेग्रेंस ली ही नहीं जी। तो फिर धीरे धीरे जैसे वीडियो आती रही, मेरे को आंसर मिलते रहे, मेरे को पता ही नहीं था कौन से गुरु हैं, किसका मंत्र है, मैं ढूंढती रहती थी। फिर वो मेरा धर्मिंदर जी को फोन लगा, मतलब होगा उन्होंने डाला होगा ये मंत्र, तो मेरा फोन तो उन्हीं को लगा था कि ये गुरुदेव कहाँ रहते हैं। वो कहती ये तो भ्रमलीन हो गए। मैंने कहा ओहो, ये तो मतलब मैं तो दीक्षा लेना चाहती थी। कहते तो आप दीक्षा लो ना, मतलब ये दीक्षा तो यूट्यूब पे आप मंत्र सुन लो तो हो गई दीक्षा। तो फिर मैंने दीक्षा ली, जब थोड़े दिन बाद ली मैंने, मतलब हफ्ता डेढ़ हफ्ता बाद ही ली थी। पर मैं इसमें वीडियो आया था कि मैं आप जब भी मतलब मेरे को जैसे बुलाते हो तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मतलब मैं कहती थी कि भाई गुरुदेव अगर आप हो मेरे को साइन दो, आप कहते हो भी मैं हूँ तो आपके अंदर बैठा हूँ, तो अगर आप हो तो मेरे को साइन दो कि आप हो। तो मेरे को बड़े जोर जोर से झटके लगे थे, फिर उसी टाइम लगे मेरे को पता चल गया, मैंने आंखें खोली नहीं, मतलब मैं मुझे पता लग गया कि हाँ भाई ये तो वाकई में चेतन गुरु है, मतलब याद करो तो ये तो हाजिर हो गए हैं। बस उसके बाद फिर कुंडलनी, जैसे मैं ध्यान करती थी 3:30 बजे उठ जाती थी रात, जैसे सुबह के तड़के उठ के ध्यान करने लग जाती थी, मतलब बड़ा क्रेज हो गया था मेरे को भी उठना है मेरे को, तो मैं उठती थी करती थी। तो फिर कुंडलनी जैसे ऊपर नीचे जाती थी मेरी, पता चलता था मुझे पूरा कि ये यहाँ से ऊपर जा रही ये चीज, तब मेरे को ये भी नहीं पता था कि ये कुंडलनी है। फिर जैसे जैसे वीडियो भी जैसे मेरे लिए बन के आते थे कि ये आंसर मुझे मिल जाते थे वीडियो राइ, ये होता है। बस बहुत सी अनुभूतियां मैंने बताई हैं, मतलब गुरुदेव हैं। मैं तो जब भी याद करती हूँ, चाहे गुस्से में थी कुछ था, मैंने बोल दिया था गुरुदेव मेरे को नहीं अनुभूतियां चाहिए, आप मेरे को अनुभूतियां देते हो मेरे को नहीं चाहिए। एक बार तो ऐसे जैसे घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं गुरुदेव के कमरे में बैठ गई, मैंने कहा आप कहाँ है ये कुंडलनी, आप कहते तो कहाँ है कुंडलनी, होती कैसी है कुंडलनी। तो मैं ध्यान में बैठी थी तो ना ऐसे जैसे बंदा रो के बात करता है गुस्से में कि कहाँ है ये कुंडलनी कुंडलनी करते हो आप, तो एकदम से मेरे कान के पास जैसे सांप फुंकार नहीं लगाता जोर से, तो जोर से फुंकार लगाई इतनी जोर से, जैसे मैंने गुस्से में बोला ना कहाँ है कुंडलनी कैसी कुंडलनी करते हो ये सारे कुंडलनी कुंडलनी, तो एक फुंकार पड़ी मेरे कान के पास बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने कान में ही बोल दिया, फुंकार डाली इतनी जोर से, तो मैं डर ही गई मैं आंखें नहीं खोली। फिर मेरे को पता चला कि हाँ भाई मैं चैलेंज करूँ, ये तो वाकई में कुंडलनी है, जो ना जैसे कहते ना गुरुदेव कहते ना ये तो नागिन है और ये ऐसे मतलब आंटे लगा के बैठी रहती 3:30, तो मतलब उसने मेरे को जता दिया कि मैं हूँ। मैं तो डर गई थी बहुत, अभी ये तो कुछ ही महीनों की बात है जब मेरा गुरुदेव से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। फिर मैंने गुरुदेव से माफी मांगी, नहीं गुरुदेव मैं नहीं छोड़ सकती आपको, मतलब मैं वो चीजें याद करती थी कि मेरे पास दिव्य गंध आई, अगर है थे गुरुदेव तभी आई थी ना मेरे को, अगर मैंने गुरुदेव को चैलेंज किया था कि आप हो तो साइन दो, तो उन्होंने मेरे को दिया था ना कि हाँ, मतलब ये चीजें मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी जी। तो अब भी मैं रोज ध्यान करती हूँ 3:30 सवा 3 बजे सुबह उठ के करती हूँ, गुरुदेव का ध्यान करती हूँ, वाइब्रेशन होती है मेरे को, जैसे मैं अनुभूतियां बोलती थी गुरुदेव मुझे अनुभूतियां नहीं चाहिए, तो मतलब गुरुदेव ने बंद कर दी थी अनुभूतियां, जिससे मैं बोल दिया था कि मेरे को अनुभूतियां नहीं चाहिए, तो अनुभूतियां बंद कर दी उन्होंने। तो अब फिर से हुआ कि नहीं गुरुदेव मेरे को माफ कर दो, मुझे अपनी शरण में ही लो, मुझे नहीं कहीं भटकना नहीं कहीं जाना, पर ये जरूर है कि मैं किसी और को मन में बिठा ही नहीं सकती ना, मैं किसी मंदिर में जाती हूँ तब भी गुरुदेव का ही जाप करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ गुरुदेव का ऑटोमेटिकली मंत्र जाप चलने लग जाता है वहां जाके। हाँ जी, बड़ी दिव्य अनुभूति है दीदी आपकी, और भूल जाते हैं गुरु भगवान नहीं भूलते, वो तो अपने शरीर के अंदर विराजमान है। सही में मैं बेवकूफ थी, मैं अब भी इतना पछताती हूँ गुरुदेव, मैंने जो शंका की है ना मुझे उसके लिए माफ कर दो, कि एक साधक को ऐसे शंका अपने गुरुदेव पे नहीं करनी चाहिए,
मेरी मदर को भी बड़ा कुछ दिखाया गुरुदेव ने, जैसे वो कृष्ण का करती हैं ठाकुर जी को, तो उन्हें थोड़े दिन पहले उनको हुआ था कि ये, उन्होंने कहा कि मुझे दिखाओ, तो उनको जागती आंखों से सारा कुछ दिखाया, लेकिन गुरुदेव नहीं दिखे, मतलब काजलवास दिखाया उनको, मतलब समाधि, हाँ जी काजलवास दिखाया, पूरा जागती आंखों से दिखाया मतलब, और कृष्ण दिखाए और गोपियां दिखाई, सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए और बोला कि मैं ही सब में हूँ, ये सारी मैं ही, मेरे ही रूप हैं सारे, मेरे मदर तो अनपढ़ हैं, वो भागे भागे आए रात में मेरे पास, कहते हैं इधर कमरे में चल, मतलब ये ठाकुर जी सारा कुछ अपने मस्तक से मुझे दिखा रहे हैं सारा कुछ, तू भी, तुझे भी दिखेगा। मैंने कहा नहीं, वो आपकी आंखें हैं, वो आपको ही दिखेगा, मेरे को नहीं दिखेगा वो। तो उन्होंने माँ भगवती के भी, राधा मैया के भी दर्शन किए, गोपियों के भी किए, बड़े देवी देवताएं सब दिखाए गुरु, मतलब उन्होंने ठाकुर जी ने उनको अपने मस्तक में, और काजलवास दिखाया, गुरुदेव नहीं दिखे उनको। तो मैंने कहा भी भाई गुरुदेव भी वही है। बहुत बहुत दिव्य अनुभूति बताई दीदी आपने माता राम की, बहुत अच्छे आपको भी हो रहे, आपको भी भगवान शरण में लिए हैं। अपन साधक लोग गलती करते हैं, गुरु भगवान तो हमेशा शिष्य को पकड़ के रखते हैं, कहते हैं शिष्य नहीं ढूंढता गुरु, गुरु ढूंढ के आता है शिष्य को। जब अपने पुण्य उदय होते हैं, जब ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम, बाबा गंगाई नाथ जी सरकार अपने गुरु भगवान बनते हैं, पूरी अभिलाषाएं दूर हो जाती है, फिर मन में कुछ पाना और खोना नहीं रहता। विनोद पुरोहित गुरु भाई की आपसे कुछ बात करना चाहते, दीदी मंच पर बनी रहे, स्वागत है भैया। जय गुरुदेव गुरु बहन, गुरु बहन वो सिद्धियों के बारे में आपने कौन सी किताब में पढ़ा था, जरा थोड़ा सा बताइए प्लीज, कौन सी किताब थी ये तो, और ये कहां पे पढ़ा? चित्त विलास कुछ ऐसे ही था। तो ये तो फिर मैंने कविता दीदी को फोन किया कि मेरे को ऐसे से, तो वो बोले कि ये तो हमें मतलब गुरु भगवान ने 2 साल पहले ही पढ़ा दी हुई थी, तो तुम्हारे पास भी गुरुदेव ने इसीलिए भेजी होगी। और मेरे को ये शंका का समाधान इसी कल था, तो मैंने गुरुदेव को नहीं छोड़ रखा, मैं ना ही गुरुदेव छोड़ने देंगे, मतलब गुरुदेव ने मेरे को दिखा दिया कि तू घबराती क्यों है, मतलब ये सारी चीजें होती हैं इसमें, मतलब मेरे को पहले इतनी सिद्ध योग की समझ नहीं थी, जो कल ये पढ़ने से मेरे को पूरी समझ आई। ये ना मुक्तेश्वर परमहंस जी की कोई किताब थी, ये शक्ति क्या कहते हैं इसको, चित्त विलास, चित शक्ति विलास, हाँ जी हाँ जी जी गुरु बहन, चित्त शक्ति विलास, हाँ जी हाँ जी। तो इसमें मैं अभी मैं आधी पढ़ पाई हूँ, मतलब इससे मेरे को इतना ज्ञान तो मिल गया कि मतलब ये सारी चीजें हमारे साथ जो हो रही थी ना, ये होती हैं सिद्ध योग में। तो जैसे हम डर ही जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना, ये उल्टा हो रहा है, ये ऐसे हो ही जा रहा है, ये मतलब वो होना होता है, हमारे जो कर्म है वो कटते हैं, जो जिस चीजें चलनी है जो सिद्ध योग में आती हैं वो हमें होती हैं, ये सारी चीजें होनी भी है। हाँ गुरु बहन आपने सही कहा, अपने प्रारब्ध जैसा लिखा हुआ है वैसा तो होता है, जैसा अपन ना चाहते हुए और कर बैठते हैं, सब गुरु भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता जी। हाँ जी अपन शरण में माफी मांग रहे गुरु भगवान, गुरु भगवान हमको क्षमा करो, अपनी शरण में ले ओ प्रभु, हम कामी क्रोधी कलयुगी पुत्र हैं, हम लोगों को इतनी समझ नहीं है सिद्ध योग के बारे में। आप आज प्रेम सिंह गुरु भाटी, स्वागत है भैया आपका, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई स्वागत है। लगभग 12 महीना हो गया था मेरे को ये गुरुदेव की तस्वीर फोक्स नहीं होती थी भाई, दिखनी एकदम वो दूसरी दूसरी दिखनी शुरू हो गई थी। ठीक थे आज आज ऐसी गुरुदेव ने कृपा की है कि वो झीणा कपड़ा होता है ना, उसके हाँ। अंदर से आगे कोई चीज दिखती है, नॉर्मल जैसे कोई कोहरा छाया हुआ है, उस कोहरे को आगे गुरुदेव की तस्वीर दिखनी शुरू हो गई, एकदम जैसे गुरुदेव खुले बैठे वो महसूस, एकदम खुली नहीं दिख रही है, जैसे खुली आंखा से देख रहे वैसे नहीं दिख रही, कोहरे के अंदर
वो पूरी यूं आकृति पहले जैसे हमको लग रहा है कि गुरुदेव बैठे हैं, ऐसी आज दिखनी शुरू हुई है अभी अभी इसी ध्यान में गुरुदेव की कृपा हुई है आज। बहुत 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 बड़ी कृपा भाई है भैया। ध्यान भी बहुत अच्छा लगा शुरुआत जैसा, शुरू में तो गुरुदेव एकदम खुले दिख रहे थे। जिस दिन मेरे को पहली बार ध्यान लगा था ना उस टाइम तो खुले दिख रहे थे, जैसे मेरे ही वो गुरुदेव के पैर है आज्ञा चक्र से टच हो रहे थे। ठीक है वो तो नहीं दिखा है आज, मगर वो कोहरे के आगे दिख रही है गुरुदेव की तस्वीर। तो मुझे यूं लग रहा है अब दो चार दिन में गुरुदेव की खुली तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी, यूं मेरे को महसूस हो रहा है। बड़े दिव्य दर्शन बताए आपने जब गुरु भगवान तस्वीर दिखते हैं तो एकदम वो कोहरे में भी एकदम फिक्स फोक्स हो गई, जहां आंखें बंद करके गुरुदेव की तस्वीर को रखा था वो पूरी आगे एकदम खुली गुरुदेव यहाँ विराजमान है, ऐसा फोक्स हो गया। ध्यान भी ऐसा लगा कि ध्यान में बैठते हैं तो तस्वीर सामने रखते हैं, आंखें खोली ध्यान पूरा होने के बाद तो तस्वीर तो मेरे राइट साइड में इधर थी, मेरा मुंह उधर था, मैंने आंखें खोलते ही हाथ जोड़ा अरे इधर कहाँ हूँ, तस्वीर तो यहाँ है, ऐसा घूम गया था। बहुत दिव्य गुरु भगवान दिखते हैं तो ऐसा ही कोहरा धुआं धुआं सा समय होता है बहुत से गुरु भाई में, जीना कपड़ा होता है नहीं उसके अंदर से जैसे कोई आगे दिख रहा है नहीं ऐसे दिख रहा है। जी जी हाँ जी हाँ जी बहुत 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 दिव्य अनुभूति में मुझे वाइब्रेशन होने लगे आपकी बात सुन के। मुझे नहीं मेरा तो आज इतना वाइब्रेशन किया पूरा शरीर से कपड़े से पसीना पहुंचना पड़ा, ये हालत हो गई। जी जी आप मंच पे बने रहे गुरु भाई, त्रिगुणी गुरु भाई ने हैंड रेज किया था, मैं स्वागत करता हूँ भैया। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। भाई साहब रजनी बहन कुछ और बोलना चाह रही है बार बार वो। हाँ 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 नहीं 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 मैं कुछ बोल रही हूँ, मैं तो ध्यान से इनका सबका सुन रही हूँ, मेरी कुछ ज्यादा नहीं है। मैं भाई साहब ये जरूर कहूंगी एक कि जब मैं ये ध्यान करती हूँ ना मतलब जैसे गुरुदेव का, तो जो मेरा बेटा है इसके अंदर क्या कहते हैं कि तामसिकता कह लो या कुछ भी है, ये ऐसे उठता है जैसे ना कोई गलत आत्मा नहीं उठती, जैसे तो ये सुबह उठता ही नहीं, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं, मैं ही उठती हूँ। तो ये मेरे को पता क्या करता है एक दिन बोल के कि ये तेरे जो गुरुदेव है ना तू इनका ध्यान कर तो सही, फिर मैं तुझे बताता हूँ। मतलब ऐसे बोल रहा उसने मेरे को गुस्से में, जैसे आंखें पूरी ऐसे लग रही है जैसे कोई और ही ऊर्जा उसके अंदर बोल रही है। तो वो कहता है ये गुरु नहीं रहेंगे घर में, तू कुछ भी रख ले लेकिन इस गुरु को नहीं मैं रहने दूंगा। पता नहीं उसको ये क्या प्रॉब्लम है मेरे इस गुरु से, और उसने कोई तस्वीर छोड़ी नहीं है। तो मैंने कहा तू तोड़ दे जो तोड़ना है तोड़ दे भाई, मेरे को नहीं लगता शायद मेरे को ये बताना चाहिए पर मैं बता रही हूँ। तो ये मतलब वो उसने कोई तस्वीर छोड़ी नहीं है, तो मैं तो इसको बोला कि चल भाई तू तोड़नी है तोड़ दे कोई बात नहीं, मेरे तो अंदर बैठे हैं तस्वीर से क्या होगा, तूने तोड़नी है तोड़ दे मेरे अंदर बैठे। मतलब वो ना इनसे बड़ा इरिटेट होता है बहुत ज्यादा, इनको नहीं रखना घर में, तू और कोई गुरु ला के रख दे, कोई और फोटो रख दे, इस फोटो को बाहर कर दे बस। जी तो मतलब मुझे यही महसूस होता है उसको मेरे गुरु से डर इसलिए लगता है कि उसके अंदर है तामसिकता, कि वो चाहता है कि ये चीज रहे ही ना रहे ना। हाँ गुरु बहन आपने सही कहा, आप मन साफ करती रहे और वीर को बहुत बड़ी चीज है, गुरु भगवान अपने साक्षात भगवान सच्चिदानंद हैं, उनको उनकी आपके जाप से वो सब ठीक हो जाएगा। फोटो हर कमरे आप मतलब जितने कमरे हैं सब में फोटो लगाए हो आप? जी 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 उसने सारी की सारी तोड़ दी है, बस एक गुरु चरण कमल पड़े हैं बस, फोटो तो उसने एक भी नहीं रखी। अच्छा तोड़ देता है, मैं जितनी जितनी बार लगाऊं उतनी बार वो फोटो तोड़ देता है। अच्छा जी आप मंच पे बनी रहे भैया, गुरु भाई बताएं गुरु बहन ने ऐसा कर रहा बालक। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, ये रजनी गुरु बहन जो बता रही है वैसा ही, जो मेरी छोटी बहन है वो भी ऐसा ही करती थी। वो भी मंदिर चली जाती थी हर जगह, लेकिन कहती इसको नहीं मानूंगी मैं, इसको दूर कर दो। वो भी ऐसे ही करती थी गुरु बहन। लेकिन हमने बाद में जो है गुरुदेव से बहुत करुण प्रार्थना करी, बस गुरुदेव से ही प्रार्थना करी इस बारे में। और बार बार 24 घंटे मंत्र जब खुद करते रहे और गुरुदेव से प्रार्थना ही करते थे कि भाई गुरुदेव जो कुछ भी है आप जानो, आप ठीक करो। गुरुदेव, दादा गुरुदेव से और गुरुदेव दोनों से ही करते थे। और उसके बाद गुरुदेव ने उसको ठीक भी किया, हमारी आंखों के सामने सब ठीक हुआ। और ऐसा हुआ जैसे कि भाई हमें खुद समझ भी नहीं आता था भाई क्या हो गया, एकदम से ये सिचुएशन गुरुदेव ने बदल दी। तो इसका गुरुदेव ही कर सकते हैं, गुरुदेव से करुण प्रार्थना करो। और जो गुरुदेव की जो तस्वीर है उसको हर दीवार पे चिपकाओ, हर जगह पे लगाओ, गुरुदेव की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लगाओ। और मंत्र जब जो है वो ज्यादा से ज्यादा जितना करोगे, और एक अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी जितना जल्दी उठ के ध्यान करोगे वो अच्छा रहता है। सुबह जल्दी जब ध्यान करते हैं तो हाँ वो अच्छा रहता है, वो हमारी जो बात है वो सीधा परमात्मा तक पहुंचती है, उस समय पे असरदायी भी होती है वो। और करुण प्रार्थना जितनी करोगे उतना सही रहेगा, बस यही कहूंगी गुरु बहन जी। मैं तो रो रो के भी कर ली, मैं तो बहुत रो रो के गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव अगर इसको नहीं ठीक करना भाई, मेरे को तो मतलब मेरा मानसिक जो तनाव है वो तो ठीक कर दो, इसको लेके जो मेरे को हो रहा है मतलब मैं नहीं कर पा रही मंत्र, मेरा मन ध्यान उधर जाते कि ये बच्चा कर क्या रहा है। तो अब मैंने वो भी हटा दिया, गुरुदेव ने तो वैसे मेरे को ना सारे मोह से ही बाहर निकाला हुआ है जब से मैंने दीक्षा ली है ना, पहले मोह बहुत था, वो तो कब से मतलब सब हट ही चुका है मेरे को। अब किसी से मतलब जैसे लगता है ना कोई, जैसे बहुत लगाव होना वो भी खत्म हो गया, एक ही चीज रहेगी मेरी लाइफ में मेरे गुरुदेव, बस मैं उन्हीं को ही सोचती हूँ, उन्हीं को ही जपती हूँ, उन्हीं को ही देखना चाहती हूँ, उन्हीं का ही करना। जब मेरे को है ही नहीं है मन में, अब कुछ रह ही नहीं गया, इस संसार के प्रति भी कुछ नहीं रह गया मेरे। मैं एकांत चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में एकांत चाहती हूँ कि ऐसी जगह मिले जहाँ पे बस मैं हूँ, गुरुदेव हूँ और इनका मैं ध्यान करूँ, जाप करूँ, बस मेरे को डिस्टरबेंस ना हो, कोई कोई मेरे को डिस्टर्ब ना करे बस। जो ना ये गुरुदेव एक रोक के भी रखते हैं मंत्र को, मैं जैसे हम भूल जाते ना बीच में, काम करते करते वक्त नहीं याद रहता, फिर जब याद आता है फिर शुरू हो जाता है। मतलब ये चीज चलती है, कई बार तो रात में इतनी देर चलाते हैं ना मंत्र मेरा कि नहीं सुबह हुआ तो रात में चलता रहता है, फिर मैं सोचती हूँ अरे भाई मेरे को नींद कब पूरी होगी, ये तो मंत्र चल ही यार। हाँ गुरु बहन, ऐसा तो रहता है, मोह भंग कर देते हैं गुरु भगवान। गुरु भगवान संसार की कोई वस्तु, कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं सुहाता, बिल्कुल सच्ची बात बताई आपने, यही हालत मेरी भी है। लेकिन ललिता गुरु बहन जो बता रही आपको, काम सिखता है बेटे को तो वो मंत्र जाप से दूर होगी। दीदी ने कई बार बताई है अपनी समस्या कि छोटी बहन को बहुत परेशानी थी, कोई ऐसी काम सिखता थी, फिर वो मंत्र जाप करते करते और गुरु भगवान ने आज ठीक कर दिया, वो भी ध्यान में वापस आ गई और ध्यान करने लगी। तो आप भी गुरु भगवान से करुण प्रार्थना करें कि हमारे बालक जो कुछ है गुरु भगवान ठीक करें, और अगर वो फोटो तोड़ता है तो ऐसे चित्र मतलब दीवार में वो कर दो, चिपका दो गुरु भगवान के, तो उससे बहुत लाभ होगा आपको। और गुरु भगवान से करुण प्रार्थना करें, दीदी ने तो बहुत विनती की है, दीदी ने बताया था, मैंने कई बार सुना है दीदी का कि छोटी बहन को बहुत परेशानी थी, गुरु भगवान के मंत्र जाप से ठीक हुई, और गुरु भगवान ने ठीक किया है और कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती, अपने मंत्र जाप से उसका असर हो जाएगा और वो आप करुण प्रार्थना करें गुरु भगवान से, ऐसा तो होता है। लेकिन अपन को रहना तो घर ही में है दीदी, कहीं जाना नहीं है छोड़ के। हाँ जी, अपन चाहते तो आपने बिल्कुल हमारे मन की बात, ऐसा मुझे भी लगता है कि एकांत हो, किसी से कोई मिलना जुलना ना हो, केवल गुरु हो और अपन हो और भजन हो। जी जी, बात बताई आपने, ऐसा होता है और बहुत स्वाभाविक होना। और ये दुनिया झूठी है दीदी, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा बहना, जो झूठे व्यवहार अपन जो जी रहे हैं ना,
सब झूठा है, लेकिन इसमें भी रहना है ना, इसके बिना भी नहीं चल सकता, क्योंकि अपन को शरीर माया रूपी मिला है। मैं रहते रहते भोग को भोग भोग के साथ साथ मोक्ष भी है, अपन अलग अलग थलग कहीं रह नहीं सकते, अलग जा नहीं सकते। तो ऐसा तो होता है, स्वाभाविक ऐसे गुण आते हैं, ऐसे लक्षण आते हैं। बहुत अच्छी दिव्य आराधना चल रही है आपकी, आप बिल्कुल फिक्र न करें, केवल मंत्र जाप और गुरु भगवान से करुण प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, इस बालक को अपनी शरण में ले और रक्षा करो इसको, जो कुछ इसके अंदर है। मैं रूल गुरु भाई ने एंड्रेस किया था, मैं स्वागत करता हूँ बहुत देर से। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। प्रवीण जी गुरु भाई थे, प्रवीण जी हाँ जोन भी हो। हाँ भैया, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव, माइक अनम्यूट है, अपना माइक खोलें भैया। हाँ गुरुदेव सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई स्वागत है। हाँ धन्यवाद, अब बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा। अच्छा जी, वैसे मैं आता नहीं सेशन में, लेकिन आज ऐसी अचानक तो देखो क्या होता है, तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई ध्यान करता है, अगर ध्यान के दौरान कोई भी चीज दिख रही है, तो ये सब ये कि ध्यान अभी हमारा कच्चा है, ध्यान जब लगेगा तो इंसान खुद भी मिट जाता है। कोई भी चीज ध्यान में दिख रही है, अभी हमारी शुरुआती प्राइमरी स्टेज है। ध्यान जब गहरा होता है तो इंसान दिखना तो दूर वो खुद मिल जाता है। ध्यान में जब तक कुछ दिखेगा तो हमको ये समझना चाहिए कि ध्यान अभी हमारा प्राइमरी है, और जब सांस भी लेने का एहसास ना हो ध्यान में, जो दिखे वो सब मिट जाए, तब हमको ये एहसास होना चाहिए कि जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं और भी कोई गुरु भाई बहन हो स्वागत करता हूँ। स्वागत भैया, जय गोपीनाथ गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। भाई कुछ दिन से ना, काफी दिन से मेरे को क्या हो रहा है ना, रात को ठीक से नींद नहीं आ रहा है। मतलब काफी मतलब ये 4 बजे तक तो नींद नहीं आता, फिर 5 बजे सेशन से मेडिटेशन करके फिर सो जाते, फिर पूरा दिन नींद आते रहता है। ठीक है, तो मैं सुना सेशन में कोई गुरु भाई भी ऐसे बता रहा था, जैसे रात भर जगते है और दिन भर सोते है, योगी आप ही बता रहे थे, योगी रात में जगता है, जब दुनिया संसार सोता है जब योगी जगता है, और जब योगी जब संसार जगता है तो योगी सोता है। बड़ी आपकी साधना एक क्रिया बहुत अच्छी चल रही भैया, गुरु भगवान ने आपको ऐसा दिया है कि रात में नींद नहीं आ रही। भजन करो डट के जितना हो सके, और करुण प्रार्थना करो, गुरु भगवान मेरी औकात तो नहीं है भजन करने की, आप करवा लो दादा, बड़ा अच्छा बन। और आपने किया भी होगा तो आप कुछ अनुभव बताएं उसके, आपको तो अच्छा है। अपन मतलब ग्रस्त में रहते हुए एक योगी के वो हो रहा है लक्षण है आप में, बहुत अच्छी अनुभूति वो हो रहा है भगवान। तो रात में मुझे भी आपके जैसे होता था, नींद नहीं आती 2-2, 3-3 बजे रात तक, तो फिर भजन चलता है और बड़ा दिव्य आनंद आता है उसमें, कोई बिल्कुल शांति बनी रहती है। आपने बताया, मैं बताता हूँ अभी 2-3 दिन पहले से क्या हो रहा मुझे भी है। नींद नहीं आती तो मैं भजन करता हूँ या गुरु की स्पीच सुनता रहता हूँ,
एक दिन में अपने अंदर ऐसा उतर रहा गहराई में भैया, इतनी गहराई है शरीर के अंदर के मैं उसमें समाया जा रहा, वो आनंद वो नशा टाइप का इतनी बहुत दिव्य, मतलब नशा के बाद जो वो चढ़ती है ना खुमारी, ऐसी चढ़ती रही है और इतना आनंद आता है, उस आनंद का इस मुख से तो वर्णन नहीं कर सकते। वो नाम जप का असर है, केवल नाम जप का। मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि केवल जो नाम श्याम नाम की वो कमाई है जिसका ये असर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा झूम जाते हैं उसमें लेटे लेटे, ऐसा दिव्य आनंद आता है जैसे बहुत गहराई है शरीर के अंदर, उस गहराई में उतर रहे हैं, समा रहे हैं, ऐसी दिव्य अनुभूति गुरु भगवान करवा रहे हैं। और ऐसा होता है, आपकी साधना बड़ी अच्छी चल रही है, उसमें मंत्र जाप खूब रगड़ के करें, गुरु भगवान से विनती करें, अपनी क्या औकात है हे गुरुदेव, है ना, हम लोग कलियोगी कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र है, हजार जगह मन जाने वाला, गुरु भगवान आप अपना नाम नामदान जो दिया उसका जाप करवाएं प्रभु, हमें अपनी शरण में ले। बहुत अच्छा बताया भैया आपने, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। और कुछ बताएं हो तो, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन हो तो स्वागत है मंच पे, नहीं तो समय भी हो गया है। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव सभी को, गुरुदेव की दिव्य चेतना सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो, बोलिए कुछ अगर जरूरी हो तो।